और जब मैं घर से बाहर आती हूँ तो मैं एक वीडियो देखती हूँ एल्विश का. आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड इज द की. सो कल को कहीं मिलेंगे तो व्हाई नॉट. कॉन्वर्सेशन में अगर बातचीत चल रही, उन्होंने भी मुझे मिडिल फिंगर दिखाया. अगर कोई और होता तो झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ थोड़ा बुरा लगता. Hi guys, this is Sana Maqbool and you're watching me on Peeping Moon. Hi, this is Tanu and welcome to Peeping Moon. आज हमारे साथ है बिग बॉस OTT 3 की विनर और बहुत ही गॉर्जियस सना मकबूल. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत प्यारी लग रही हैं. थैंक यू. आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं. थैंक यू. हाउ इट फील्स लाइक विनिंग? हाउ इट फील्स लाइक विनिंग? व्हेन यू आर अ गो गेटर इन लाइफ आई थिंक इट फील्स गुड. बट प्राउड फीलिंग है, गुड फीलिंग है, बहुत खुशी है उसमें. और क्या बोलूं, मतलब आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. समझ नहीं आ रहा है किसको थैंक यू बोलूं, जनता को बोलूं, अपनों को बोलूं. बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे थैंक यू बोलना है. तो बहुत अच्छा लग रहा है. आपके फैंस तो मतलब कभी पता था कि इतने फैंस हैं, इतने लोग वोट करेंगे? तभी तो मैंने बोला मैं फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था. जाने से पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मुझे ऐसा लगता है. मुझे ऐसा लगता था दैट कंपैरेटिवली टू अदर पीपल मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई नहीं जानता. बट जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ देर इज इमेंस लव, लव वेटिंग फॉर मी. प्यार 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 और ढेर सारा प्यार मेरे लिए. यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन मी. सो आई थिंक मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया. और मैं चाहती हूँ कि ये प्यार मैं बरकरार रखूँ. आप और मेज़ी, वो जो मोमेंट था उस वक्त लग रहा था कि यार मैं जीतूं, बिकॉज़ नेज़ी भी आपको उतने ही क्लोज हैं. मतलब क्या फीलिंग थी नेज़ी और मैं टॉप 2 में आए ना, तो मेरा वो एक यू नो एक वो दिल से वो चला गया था कि अगर मैं हारती भी हूँ तो इट्स ओके. मेरे लिए विनिंग ये है कि मैं यहाँ तक आई नेज़ी के साथ. अगर कोई और होता तो झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ थोड़ा बुरा लगता. बट नेज़ी के लिए मैं मेरे से ज्यादा खुश होती, लाइक ट्रस्ट मी. आपको ये लगता है कि बाकी जो कंटेस्टेंट है, बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल रणवीर जी बोलते हैं कि वो कभी बोलते हैं कि वो इसके लिए विनर नहीं होनी चाहिए थी, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? यार ठीक है, आई थिंक उनका पर्सपेक्टिव है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका ओपिनियन है. विनर डिक्लेयर हो गया है, शो खत्म हो गया है. सो आई थिंक इट फॉर मी इट डजंट मैटर. अब वो क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं मुझे अभी वो मैटर नहीं करता. बट या शो में थे तो वो मुझे बोलते रहते थे कि इनफैक्ट लास्ट डे तक वो बोलते रहे. और उन्होंने सपोर्ट भी नेज़ी को किया था, मुझे नहीं किया था. अगर वो टॉप 3 की पोजीशन से निकल गए थे तो बस आई वुड से कि शो इज ओवर फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू लीव एवरीथिंग असाइड एंड फोकस समवेयर एल्स. बट शो में मतलब आप लोगों की जो नोकझोंक भी होती थी और फिर भी लोग ऐसे बोलते थे कि ही बीइंग अ सीनियर आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, तो बाहर आपने अगर आप बाहर आके कमेंट्स पढ़ी होंगी तो कैसा था वो आपके लिए कि लोग उनसे आर्गुमेंट के बाद भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली थी जो हर्टफुल थी और मैंने हमेशा उन चीज़ों को रिएक्ट किया है. अगर आप मुझे ए बोलोगे तो मैंने आपको फिर बी बोला है. अब उनकी नज़रिए में ये था कि मैं उन्हें ए बोलती थी और वो मुझे बी बोलते थे. बट वो ऐसा नहीं था. जनता देख रही है क्या सही है क्या गलत है. बट ठीक है, वो शो के अंदर वो यू नो आप एक माहौल में रहते हो, एक सिचुएशन में रहते हो जहाँ आप एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो. एंड आई फेल्ट मैंने भी वही चीज़ें की. मैंने भी कई हद तक उन्हें चीज़ें बोली है. सो आई विल नॉट से दैट कि आई वॉज राइट और ही वॉज राइट और आई वॉज रॉन्ग और ही वॉज रॉन्ग. आई थिंक इट वॉज मुझे एक चीज बोली है तो मैंने शायद ताबड़तोब नहीं बोली होगी बट मैंने नेक्स्ट डे उस चीज का जवाब दिया. पर कई बार लोग कह रहे थे ना जो उनके बेटे पे जो कमेंट था, तो नहीं मैंने उनके बेटे पे, यस मैंने उनके बेटे को, बेटे का
जिक्र एक आर्गुमेंट में किया था, बट मैंने कभी गलत नहीं बोला। जो इंसान डे वन से लेके डे लास्ट तक यही चीज बोले जा रहा है, अपने बेटे के बारे में बात कर रहा है, सो मैंने गलत नहीं बोला। मैंने बस इतना अगर बोल दिया है कि अरे आपको 25 लाख रुपए आपके बेटे की कॉलेज फीस के लिए चाहिए, आजकल तो इतने में कुछ नहीं होता है। अब गलत क्या बोला, एक्चुअली इतने में कुछ नहीं होता है यार आजकल। और फिर मैंने एक और चीज यूज की थी कि मैंने कहा कितने साल का है वो, 5-6 साल कुछ तो हुआ था। मैंने बोला कितने साल का है वो, 5-6 साल कुछ तो हुआ था। आई नेवर यूज द वर्ड डिवोर्स्ड फॉर, तो मुझे मेरा दायरा पता था। अगर मुझे उनके डिवोर्स के बारे में बात करनी है तो मैं लास्ट में क्यों करती, मैं तो मुझे तो डे वन से पता है तो मैं तब से बात करती। बट आई नेवर ब्रॉट दैट थिंग अप, नो इट्स हिज पर्सनल लाइफ एंड आई नेवर वॉन्ट टू ब्रिंग दैट थिंग अप। यस बच्चे का जिक्र किया था बट गलत कुछ नहीं बोला था, ना उनके बच्चे को कुछ गलत बोला, ना उन्हें उनके बच्चे को लेके कुछ गलत गलत नहीं बोला। मुझे ना उसका, मैंने ना उसके नाम का जिक्र किया, मैंने बस बोला 5-6 साल का था कुछ हुआ था, बस मैंने ये चीज बोली। और मैंने बोला कि आप क्या 25 लाख रुपए देके आप कॉलेज की फीस भरोगे, आजकल तो फीस भी बहुत हाई हो गई ना, हो गई है हाई, तो इसमें गलत मुझे नहीं लगा कुछ हुआ। उसके बाद ही केम अप टू मी एंड ही सेड कि यू ब्रॉट माई चाइल्ड अप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड ब्रॉट इट बट आई नेवर टुक हिज नेम, right? I never took his name. Second of all, he came up to me and he said, "Ki don't are you? Aren't you sorry for it?" I looked at him and I was like, "Okay." Then he again called me something which is very derogatory, and I was like, "Okay." And I just walked out. So I felt ki वो चीजें ऐस और उन्होंने भी मुझे उस conversation में अगर बातचीत चल रही उन्होंने भी मुझे middle finger दिखाया. And I kept being a senior. सो अगर वो करते हैं तो तमीज है, हम करते हैं तो बदतमीज है, बट इट्स ओके। अगेन आई विल से इट्स ओके, शो खत्म हो गया है, इस चीज पे बात करके कोई मतलब नहीं है, विनर डिक्लेयर हो गया है। सो अब अगर बाकी कंटेस्टेंट कुछ भी बोले इट डजंट मैटर। एंड अगर बोलते हैं तो आपको कहीं से लगता है कि उनसे कनेक्शन में रहना है या नहीं, किसी से भी रहना है बिग बॉस के अंदर से? I think moving forward is the key. So कल को कहीं मिलेंगे तो why not? But as I said, बाकी सारे जो बॉम्बे से हैं उनसे तो मुलाकात होगी आज नहीं तो कल। Mostly contestants are not from Mumbai, but yes, जब मिलेंगे तो मुलाकात होगी। जैसे अरमान लोग बोलते हैं कि आप fixed winner हो या फिर Big Boss को आपको जिताना था, तो उसमें I don't know. I think जब हमारा selection होता है तो सबको जीतने की चाह होती है। बस मेरी जो चाह थी वो थोड़ी desperate थी। मेरी जो चाह थी वो, मैं बहुत determined थी, मैंने अपने goal को shift नहीं किया। मैं day one से बहुत clear थी कि मैं आई यहाँ उस trophy के लिए, वो title के लिए हूँ और मुझे जीतना है Big Boss। बाकी थोड़े diplomatic हो जाते थे तो फिक्स्ड विनर कौन है कौन नहीं है ये मैं कुछ नहीं बता सकती। वो खुद इस शो का हिस्सा रह चुके, आई थिंक दे विल दे शुड से, बट एज आई सेड शो खत्म हो गया है, बिग बॉस ओवर हो चुका है, विनर डिक्लेयर हो गया है। अब अगर आप ये सब बातें करोगे तो इट्स नॉट राइट, बट इट्स अगेन इट्स देयर थिंग, वो बात कर रहे हैं तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। और साई केतन के बारे में अगर आपने देखा बहुत सारे रील्स वील्स बन रहे हैं एज अ कपल रील, और बट उन्होंने भी कुछ नहीं कहा अभी उनका इंटरव्यू हुआ। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? यार आई डोंट नो कपल रील और इसके बारे में, क्योंकि साई और मैंने शो में हार्डली बात किया है, हार्डली या वी हैव नेवर इंटरैक्टेड इन द शो, नेवर एवर। फोर्थ वीक में अनिल जी वाज ट्राइंग टू टेल मी कि थोड़ा वेव ऑफ कर लो, तुम लोग दोस्त बन जाओ। मैंने कहा सर मैं इसको कभी जाना ही नहीं, तो मैं क्या, बट स्टिल आई वाज लाइक कि ओके इफ यू से सो आई विल ट्राई, बट वो ट्राई कभी हुआ ही नहीं। So I think interaction तो शिवानी के साथ आप खूब रहते थे, and that was fun also. कैसा था आपका मतलब? शिवानी के साथ तो of course she's fun loving girl यार, बहुत मजे की लड़की है। विशाल लवकेश इन सबके साथ मेरा एक बॉन्ड, बहुत स्पेशल बॉन्ड है। लोग बोलते थे वो येड़ा बन के पेड़ा खाती है। कौन शिवानी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो ना येड़ा बनती है ना पेड़ा खाती है। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है
कि मुनावर और एलवेश या फिर बाकी बहुत सारे एक्टर्स के फैंस भी आपके पास आए, वो लोग खुल के बहुत सारे लोगों ने आपके लिए स्टोरी लगाई, पोस्ट किया, व्हाट डू यू हैव टू से? ऑफ कोर्स मैं टीवी से हूँ, लॉट ऑफ टीवी पीपल विल सपोर्ट मी, मेरे खुद के कितने सारे दोस्त हैं, राजीव अदातिया, विशाल, माही, सब ने मतलब यू नो मेरे लिए बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज समवेयर दे नो दैट दिस हु सना वॉज इन साइड दिस शो, शी वॉज वेरी रियल. मेरे लिए मुनव्वर ने भी किया, मतलब यू नो ऑफकोर्स वो मुझे जानते हैं. एंड जब वो घर में आए थे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि 40 days से मैं इन्हीं लोगों को देख रही हूँ, और जब मैंने उनको देखा मुझे ऐसा लगा यार मेरा कोई अपना आया है, यू नो, जो शायद मुझे समझ पाए. और जैसे मैं अगर उनसे बात भी करी थी ना तो मेरा दिल भर रहा था, मतलब आई वॉज क्राइंग विद इन, आई सेड ओके. एंड देन वो मुझे रीड कर पा रहा था कि मत रो पागल मत रो. सो आई थिंक मैं उनको देख के थोड़ी इमोशनल हो गई थी. एंड वो जब आए थे एक मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैंने उसे हक किया, मैंने कहा थैंक यू तू आया. और वो फेज में ना मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, और जब आप अकेले रहते हो और आप किसी अपने को देखते हो तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है ना. आई थिंक वो मेरे लिए बहुत नीडेड था. और जब मैं घर से बाहर आती हूँ तो मैं एक वीडियो देखती हूँ एल्विश का, एंड एल्विश का एक वीडियो देखती हूँ, और एल्विश उस वीडियो में कहते हैं कि सना मकबूल मुझे विनिंग मटेरियल लगती है. एंड आई फेल वेरी गुड, क्योंकि मैं और वो एक दूसरे को जानते नहीं है. एंड आई थिंक कमिंग इट फ्रॉम हिम वॉज रियली नाइस एंड वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम. एंड आई फेल वेरी गुड कि यार चलो, मतलब आई एम डूइंग गुड. सो या आई फेल गुड. यस. Thank you so much. Thank you so much.